जिस माँ ने बच्ची को जन्म दिया उसी माँ ने बच्ची का 3 लाख रुपए में सौदा कर दिया। जी हाँ, सिलीगुड़ी में नवजात बच्चों की खरीद बिक्री कांड का पर्दाफाश होने के बाद अब पुलिस नवजात की माँ ममता देवी की तलाश में जुट गई है। इस मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गौरतलब है कि आरोपी प्रभा देवी ने जब पटना से सिलीगुड़ी में इस नवजात बच्ची को लाया था तब उसके पास से पुलिस ने पटना के देव हॉस्पिटल का पर्ची बरामद किया था, जिसमें उक्त नवजात बच्ची को जन्म देने वाली मां ममता देवी का नाम लिखा था, जिसके आधार पर अब पुलिस ममता देवी की तलाश में जुट गई है। इसके साथ ही पुलिस देव हॉस्पिटल के प्रबंधन से भी संपर्क कर रही है। पुलिस को प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि ममता देवी की 2 बेटी है, लेकिन कुछ समय पहले ही ममता का उसके पति के साथ डिवोर्स हो चुका है। ममता की 2 बेटी उसके पति के साथ रहती है। बताया गया है कि बच्ची का सौदा जन्म से पहले ही 8 लाख रुपए में तय कर दिया गया था, जिसके लिए ममता को 3 लाख रुपए दिए गए। वहीं बाकी के 5 लाख रुपए इस गिरोह में शामिल लोगों में बांटा गया। इधर पटना से गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर रखने का निर्देश दिया है। पुलिस अब सभी आरोपियों को आमने सामने रखकर पूछताछ करेगी, जिसके बाद और कई नए खुलासे होने की उम्मीद है।